धीरूभाई अंबानी की स्ट्रैटेजी आज भी केस स्टडी है। जब इंडिया में इक्विटी कल्चर नया था और उन्होंने आम आदमी को रिलायंस का शेयर होल्डर बनने का मौका दिया। 1977 का आईपीओ लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर था। सिर्फ 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट आज 17,80,000 बन चुकी है। जी हाँ, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इस आईपीओ ने रिलायंस को सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, पेट्रोकेमिकल्स और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में भी एक्सपैंड करने का मौका दिया। आईपीओ के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी में से एक, और धीरूभाई अंबानी की अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज ने इन्वेस्टमेंट की बारिश करा दी। 1988 तक सेल्स 1770 करोड़ छू गई, जो सिर्फ दो साल पहले 905 करोड़ थी, यानी ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू बस दो साल में। प्रॉफिट्स भी रॉकेट की तरह ऊपर, लेकिन जहां ग्रोथ थी वहीं कॉन्ट्रोवर्सीज भी। धीरूभाई पर लगा स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का आरोप, साथ ही उनकी गवर्नमेंट कनेक्शन पे भी सवाल उठाए गए। रिलायंस के एग्जीक्यूटिव पर भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स का मुद्दा गरमाया था, जो गवर्नेंस पे भी शैडो डाल गया। हामिश मैकडोनल्ड की फेमस बुक द पॉलिस्टर प्रिंस, जो कि धीरूभाई पर है, धीरूभाई को एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर बताकर डिस्कशन और बढ़ा दिया। बट डिस्पाइट ऑल, धीरूभाई की लेगेसी एक विजनरी का है, जिसने रिलायंस को बुलंदियों तक ले जाने का रास्ता बनाया। क्योंकि बाद धीरूभाई अंबानी ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, जिससे उनका बिजनेस डबल रेवेन्यू और डबल प्रॉफिट सिर्फ दो साल में अचीव कर लिया। रिलायंस ने अपना बिजनेस मॉडल शिफ्ट किया वर्टिकल इंटीग्रेशन पर। वर्टिकल इंटीग्रेशन बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है, जिसमें वो अपने प्रोडक्शन चेन के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करने लगे, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक। ये स्ट्रैटेजी रिलायंस के पेट्रोकेमिकल प्लांट से शुरू हुई, जिससे पॉलिस्टर का रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करने लगे। इससे न सिर्फ उनका कॉस्ट कम हुआ, बल्कि उनको मार्केट में एक सॉलिड कंपिटेटिव एज मिला। धीरूभाई का विजन था कि जब आप अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करते, आप बिजनेस के लीडर नहीं बन सकते। आप सोचिए, ये कॉन्सेप्ट आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो। सभी बिजनेस ओनर्स अपने सप्लाई चेन को कंट्रोल करने के लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। यह एक यूनिक स्ट्रैटेजी है, जो कि आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक बेकरी रन कर रहे हो, तो इंग्रेडिएंट्स डायरेक्ट होलसेल या मैन्युफैक्चरर से खरीदते रहोगे। लाइक जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हो, एक बेकरी ओनर जो सेल करता है केक्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा, इसमें होलसेलर या मैन्युफैक्चरर का मार्जिन कट होता है, तो आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाता है, जो कि एंड कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसमें अगर आपका प्राइस जिस पर आप बेच रहे हो कस्टमर्स को, वो अगर मार्जिनली भी कम होता है, तो आपका बायर जो कस्टमर है, वो ऑब्वियसली जो कम प्राइस है उसी को खरीदेगा। तो इमेजिन करो, अगर आप वो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाओ, जैसे कि हमारे केस में बेकरी, एक ओनर बेकरी रन कर रहा है। इमेजिन आप अगर वो प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करने लग जाओ, जैसे कि हमारे केस में बेकरी का मटेरियल है, स्टेट का जो मेन मार्केट होता है या फिर पूरे देश का एक हब होता है बड़ा वाला मार्केट, वहाँ से अगर आप रॉ मटेरियल सोर्स करने लग जाओ और ख़ुद ही अपना जो सेलिंग प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करने लगो, तो सोचिए आपका कॉस्ट क्या लेवल पर कम हो सकता है, और एंड कंज्यूमर जो है, जो आपका कस्टमर है, जो आपसे ख़रीद रहा है, वो कम प्राइस पर ख़रीदेगा, और इसमें आपको ज़्यादा मार्जिन भी रहेगा। देखिए, ये कोई ईजी टास्क नहीं है, शुरुआत में काफ़ी चैलेंजेस भी आएंगे आपको, लेकिन लॉन्ग रन में आपको कोई लीडर बनने से नहीं रोक सकता है। यही स्ट्रैटेजी, जिसे वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं, धीरूभाई ने 1980s में फॉलो करना शुरू किया। तो दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के वर्टिकल इंटीग्रेशन के परफेक्ट एग्जांपल है कि लॉन्ग टर्म विजन और हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल आपको कितनी बड़ी सक्सेस दिला सकता है। चाहे आपका बिजनेस कितना ही छोटा क्यों ना हो, या आप एक ग्रोइंग कंपनी के ओनर हो, ये स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। सो कीप हसलिंग, कीप ड्रीमिंग, और आप अपने बिजनेस का हर एस्पेक्ट कंट्रोल में लो, और वर्टिकल इंटीग्रेशन आज ही अपने बिजनेस में इंक्लूड करो, और कमेंट्स में बताओ
ऐसे कौन से बिजनेसमैन हैं इंडिया या फिर इंटरनेशनल जिनकी कहानी या फिर स्ट्रैटेजी का एनालिसिस आपको चाहिए। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर कर गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।